सिद्ध कीजिए कि ए का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए और ए इंटरसेक्शन बी का जो यूनियन है ये ए के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। और इसमें दूसरा हमें सिद्ध करना है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ये भी ए के बराबर होगा। तो चलिए पहले प्रश्न के हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ये इक्वल टू होगा, हम यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने वितरण नियम देखा है, तो वितरण नियम से क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए और फिर ये इंटरसेक्शन आएगा, फिर ए यूनियन बी आएगा। तो देखिए ए यूनियन ए आपने वर्गसम नियम पढ़ा है, ये ए के इक्वल होगा और इसमें हम इंटरसेक्शन लेंगे ए यूनियन बी का। तो ए और ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी और ए का जो अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ से हमें मिलने वाला है ए। चलिए वेन डायग्राम के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है यू, यहाँ पर ए और बी दो समुच्चय है। ए यूनियन, पहले ए इंटरसेक्शन बी देख लीजिए, ये वाला जो भाग है ये ए इंटरसेक्शन बी को प्रदर्शित करता है, और ए तो ये जो पूरा सेट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक छायांकित भाग, तो देखिए पूरा ए और ए इंटरसेक्शन बी का जब हमने यूनियन निकाला तो ए यूनियन बी ये पूरा छायांकित भाग होगा, और इसमें से हमें ए का इंटरसेक्शन लेना है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो केवल और केवल वह भाग होगा जो कि केवल और केवल समुच्चय ए पर है और साथ में ए इंटरसेक्शन बी पर उपलब्ध है, वही यहाँ पर हमने इसे ए लिखा है। अब दूसरे में हमें प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी जो है वो ए के इक्वल है, तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यहाँ पर भी हम वितरण नियम का उपयोग करेंगे, तो वितरण नियम से क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ी देर पहले आपने देखा है कि ए इंटरसेक्शन ए वर्गसम नियम से ये ए होता है, और यहाँ पर हम ए इंटरसेक्शन बी और ए का यूनियन लेने वाले हैं, तो इस तरीके से यहाँ से हमें मिल जाएगा ए यूनियन ए और ये ए के बराबर होगा। इसे भी आप वेन डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल सेट है यू, यहाँ पर सेट ए और ये सेट बी दो सेट हैं। ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा का पूरा भाग जिसे हम छायांकित कर रहे हैं ये ए यूनियन बी को प्रदर्शित करेगा। ए यूनियन बी में हमें इंटरसेक्शन लेना है ए का, तो ए यूनियन बी में यदि आप ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो केवल वही भाग बचेगा ये, अब जो छायांकित भाग केवल बचा हुआ है यही जो है वो सेट ए के बराबर होगा या सेट ए यही है, तो इस तरीके से हम लिख पाएंगे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू सेट ए। समुच्चय पर आधारित व्यावहारिक प्रश्न देखेंगे और इसमें कुछ प्रमेय है जिसका कि उपयोग हम आगे प्रश्नों को हल करने के लिए उपयोग करेंगे उसे देखते हैं। तो उसमें जो पहला प्रमेय है वह यह है कि यदि ए और बी दो परिमित समुच्चय हो तो कार्डिनालिटी ऑफ ए यूनियन बी, कार्डिनालिटी का मतलब उस समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या से है, ये इक्वल टू होता है कार्डिनालिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनालिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसे हम एक वेन डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक सार्वत्रिक समुच्चय है U, यहाँ पर एक सेट है A और यहाँ पर एक दूसरा सेट है B। तो यहाँ पर जो भाग आ रहा है ये वाला भाग, मान लेते हैं कि इसमें जो अवयवों की संख्या है ये R है, अर्थात कि कार्डिनालिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B को यदि हम R मान लें और पूरे सेट A की कार्डिनालिटी को हम P माने,
पूरे सेट बी की कार्डिनालिटी को हम यदि क्यू माने तो हमें मिलेगा कार्डिनालिटी ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी में वे अवयव आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ ए में है, बी पर नहीं है, या फिर ए में ऐसे अवयवों को यदि हम हटा दें जो कि ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ हैं तो वह प्राप्त समुच्चय हमें ए माइनस बी मिलेगा। तो ये जो a माइनस बी है इसे हम लिख सकते हैं p माइनस आर। देखिए ये पूरा का पूरा सेट a में कुल अवयव थे p, अब यहाँ पर जो भाग है ये r है, तो यदि हम p में r को घटा दें तो हमें मिलेगा a माइनस बी। इसी तरीके से कार्डिनालिटी ऑफ b माइनस a यदि हमें निकालना होगा तो ये जो पार्ट है q इसमें हमें r को सब्सट्रैक्ट करना होगा। अब इन दोनों का उपयोग करके हम यह लिख सकते हैं कि कार्डिनालिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कार्डिनालिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस कार्डिनालिटी ऑफ बी माइनस ए प्लस कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से हमें मिलेगा, देखिए ए माइनस बी हमने लिखा है पी माइनस आर, कार्डिनालिटी ऑफ बी माइनस ए क्यू माइनस आर, और फिर कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये आर के बराबर है। तो देखिए इसे आप हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा p प्लस क्यू माइनस आर। तो इस तरीके से हम कार्डिनालिटी ऑफ a यूनियन b निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ ग्राफ के माध्यम से इसे समझना चाहें तो देखिए a यूनियन b में वे सारे अवयव आएंगे, या तो a में है या तो b में है या फिर दोनों में है। तो कार्डिनालिटी ऑफ a ले रहे हैं तो हमें ये अवयव भी मिल रहे हैं जो कि सेट b पर भी उपलब्ध है। इसी तरीके से यदि हम कार्डिनालिटी ऑफ b ले रहे हैं तो इसमें ऐसे अवयव भी मिल रहे हैं जो कि ए पर भी उभयनिष्ठ है, और इसे हम पहले कार्डिनालिटी ऑफ ए में लिख चुके हैं। तो चूंकि हम ये आर अवयव हैं इसे दो बार लिख चुके हैं, तो अगर यदि उसे एक बार घटा दिया जाए तो हमें कार्डिनालिटी ऑफ ए यूनियन बी मिल जाएगा। तो वो अवयव क्या है, कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि कार्डिनालिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कार्डिनालिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनालिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर ए और बी जो हैं संयुक्त समुच्चय था। अब इसमें एक कंडीशन आती है कि यदि ए और बी असंयुक्त समुच्चय हो तो हमें यह मिलेगा कि कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हमें जीरो मिलेगा। तो यदि हम इसे समीकरण एक का नाम दें तो समीकरण एक में हमें ये मान रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्डिनालिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कार्डिनालिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनालिटी ऑफ बी। तो ये दो असंयुक्त समुच्चय के लिए इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो इन सब से हम एक रिजल्ट लेकर के आ सकते हैं, वह यह कि कार्डिनालिटी ऑफ ए सेट जो होगा इसे हम लिख सकते हैं कार्डिनालिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए माइनस बी ये वाला पार्ट है जो सिर्फ और सिर्फ ए पर है, ये शेडेड रीजन के पहले वाला जो हिस्सा यहाँ पर दिख रहा है ये, और कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये जो शेडेड एरिया हमने बनाया हुआ है ये। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे या मिला देंगे तो हमें मिलेगा सेट ए की कार्डिनालिटी। इसी तरीके से हम सेट बी की कार्डिनालिटी लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे कार्डिनालिटी ऑफ बी इक्वल टू कार्डिनालिटी ऑफ बी माइनस ए प्लस कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और तीसरा कार्डिनालिटी ऑफ ए यूनियन बी को हम लिख सकते हैं कार्डिनालिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस कार्डिनालिटी ऑफ बी माइनस ए प्लस कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स मिले हैं जिसका कि उपयोग हम आगे प्रश्नों को हल करने के लिए करेंगे। तीसरा प्रमेय, यदि ए बी और सी तीन परिमित समुच्चय हो तो हम लिख सकते हैं कार्डिनालिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, अर्थात ए यूनियन बी यूनियन सी में कुल अवयवों की जो संख्या होगी वो कार्डिनालिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनालिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनालिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनालिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा। यह है तीसरा प्रमेय। इसे वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक यूनिवर्सल सेट है U, ये सेट A है, ये सेट B है,
और यहाँ पर एक सेट है सी, तो हमें ए यूनियन बी यूनियन सी में अवयवों की संख्या को ज्ञात करनी है। तो देखिए मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी है। तो इस वेन डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि बी और ई जो है यहाँ पर, ये जो ई है ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। कार्डिनालिटी ऑफ ए कार्डिनालिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनालिटी ऑफ सी, इसमें से हम घटा रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी को। ये ए इंटरसेक्शन बी जो है ये बी है, ए इंटरसेक्शन बी ये स्मॉल बी, बी इंटरसेक्शन सी ये जो है वो स्मॉल एफ है, बी इंटरसेक्शन सी स्मॉल एफ है, बी और एफ। और ए और सी का जो इंटरसेक्शन है, ए और सी का इंटरसेक्शन है ये डी है। चलिए इस पर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला, कार्डिनालिटी ऑफ ए इक्वल टू 33, कार्डिनालिटी ऑफ बी इक्वल टू 27 और कार्डिनालिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 58 हो तब ज्ञात कीजिए कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले जो चीज़ें दी गई है उसे हम लिख लेते हैं कि दिया गया है कार्डिनालिटी ऑफ ए इक्वल टू 33, कार्डिनालिटी ऑफ बी इक्वल टू 27 और कार्डिनालिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 58। हम जानते हैं कि कार्डिनालिटी ऑफ ए यूनियन बी ये जो होता है ये कार्डिनालिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनालिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। जो जो राशियां दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। ए यूनियन बी ये दिया गया है 58 इक्वल टू कार्डिनालिटी ऑफ ए, ये दिया गया है 33, कार्डिनालिटी ऑफ बी दिया गया है 27 माइनस कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये मान हमें ज्ञात करना है। इसे हम पक्षांतर कर लेते हैं और ले आते हैं लेफ्ट साइड पर, या फिर आप इसे सरल कर लीजिए 58 इक्वल टू 60 माइनस कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसे पक्षांतर कर लेंगे तो मिलेगा कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 60 माइनस 58। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2, जो कि हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न है, यदि कार्डिनालिटी ऑफ ए इक्वल टू 27, कार्डिनालिटी ऑफ बी इक्वल टू 33, कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 15 हो तब ज्ञात कीजिए कार्डिनालिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये चीज़ें दी गई है, तो पहली बात ये कि जो दिया गया है उसे हमें लिखना होगा कार्डिनालिटी ऑफ ए इक्वल टू 27, कार्डिनालिटी ऑफ बी इक्वल टू 33 और कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 15। और हम यह जानते हैं कि कार्डिनालिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है कार्डिनालिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनालिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कार्डिनालिटी ऑफ ए 27, कार्डिनालिटी ऑफ बी 33 और कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये दिया गया है 15। तो इसे ऐड करेंगे मिल जाएगा 60 फिर माइनस 15 इक्वल टू 45। तो हमें जो ज्ञात करना था कार्डिनालिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू ये है 45। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में दिया गया है कार्डिनालिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 60, कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 10, कार्डिनालिटी ऑफ ए इक्वल टू 40 हो तो हमें ज्ञात करना है कार्डिनालिटी ऑफ बी। चलिए हल करते हैं। जो राशियां दी गई है उसे हम पहले लिखेंगे। दिया गया है
कार्डिनालिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 60, कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 10, कार्डिनालिटी ऑफ ए इक्वल टू 40। आपको यह पता है कि कार्डिनालिटी ऑफ ए यूनियन बी ये होता है कार्डिनालिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनालिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी ये 60 दिया गया है, इसकी कार्डिनालिटी ऑफ ए दैट इज़ 40, कार्डिनालिटी ऑफ बी यह हमें ज्ञात करना है, कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये दिया गया है 10। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 60 इक्वल टू कार्डिनालिटी ऑफ बी प्लस 30, या फिर कार्डिनालिटी ऑफ बी इक्वल टू 60 माइनस 30 दैट इज कार्डिनालिटी ऑफ बी इक्वल टू 30। तो इस तरीके से हमने कार्डिनालिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कार्डिनालिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनालिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के मदद से कार्डिनालिटी ऑफ बी को ज्ञात किया। अगले प्रश्न में दिया गया है यदि कार्डिनालिटी ऑफ ए इक्वल टू 300 हो, कार्डिनालिटी ऑफ बी इक्वल टू 200 और कार्डिनालिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 400 हो, तो हमें ज्ञात करना है कार्डिनालिटी ऑफ ए माइनस बी और कार्डिनालिटी ऑफ बी माइनस ए यह ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। जो राशियां दी गई है वो पहले लिख लेते हैं। तो दिया गया है कार्डिनालिटी ऑफ ए इक्वल टू 300, कार्डिनालिटी ऑफ बी इक्वल टू 200, कार्डिनालिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 400। अब जो राशि हमें दी गई है और जो ज्ञात करना है उसके बीच में जो अंतर संबंध है उसे हम पहले लिख लेते हैं। तो आपको यह पता है कि कार्डिनालिटी ऑफ ए यूनियन बी ये होता है कार्डिनालिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनालिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी ये दिया गया है 400, कार्डिनालिटी ऑफ ए दिया गया है 300, कार्डिनालिटी ऑफ बी दिया गया है 200 और यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से मिल जाएगा 400 इक्वल टू 500 माइनस कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या फिर ए इंटरसेक्शन बी की जो कार्डिनालिटी है उसे हम लिखेंगे 500 माइनस 400 दैट इज़ कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 100। ये एक राशि हमें मिल गई है, अब इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। तो कार्डिनालिटी ऑफ ए इक्वल टू होता है कार्डिनालिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ है। यहाँ पर ए माइनस बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये ए माइनस बी। चलिए जो जो वैल्यू हमें पता है वो हम पुट कर देते हैं। कार्डिनालिटी ऑफ ए दैट इज़ 300, कार्डिनालिटी ऑफ ए माइनस बी ये हमें ज्ञात करनी है और ये ए इंटरसेक्शन बी ये जो है ये 100 है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा ए माइनस बी की जो कार्डिनालिटी है ये 300 माइनस 100 दैट इज़ 200। तो ए माइनस बी की कार्डिनालिटी 200 है जो कि हमें ज्ञात करना था। दूसरा, कार्डिनालिटी ऑफ बी अगर निकालना हो तो आप लिखते हैं कार्डिनालिटी ऑफ बी माइनस ए प्लस कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर कार्डिनालिटी ऑफ बी 200 है इस प्रश्न में, ये बी माइनस ए हमें ज्ञात करना है प्लस ए इंटरसेक्शन बी ये हमने निकाला यहाँ से 100। तो इस तरीके से ये कार्डिनालिटी ऑफ बी माइनस ए लिखेंगे तो ये 100 इधर जा करके माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कार्डिनालिटी ऑफ बी माइनस ए इक्वल टू 100 और यही दो हमें ज्ञात करना था, कार्डिनालिटी ऑफ ए माइनस बी 200 और कार्डिनालिटी ऑफ बी माइनस ए दैट इज़ 100। अगला प्रश्न है 1000 लोगों के समूह में 750 लोग हिंदी और 400 लोग बंगाली बोलते हैं, बताइए कि कितने लोग केवल हिंदी तथा कितने लोग केवल बंगाली बोलते हैं, यह भी बताइए कि कितने लोग हिंदी और बंगाली दोनों बोलते हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक सार्वत्रिक समुच्चय है U, यहाँ पर दो सेट है, एक है
एच जो कि हिंदी बोलने वालों को प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरीके से एक दूसरा सेट है बी जो कि बंगाली बोलने वाले व्यक्तियों को प्रदर्शित कर रहा है। अब चूंकि यहाँ पर दिया गया है, क्या कहा गया था कि 1000 लोगों के समूह में, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि कार्डिनालिटी ऑफ यू या सार्वत्रिक समुच्चय में अवयवों की जो संख्या है वह 1000 दे दी गई है। फिर इसके बाद कहा गया था कि 750 लोग हिंदी बोलते हैं, तो आप लिखेंगे कार्डिनालिटी ऑफ एच इक्वल टू 750। फिर कहा गया कि 400 लोग बंगाली बोलते हैं, तो इसे हम लिखेंगे कार्डिनालिटी ऑफ बी इक्वल टू 400। अब चूंकि आपको पता है कि कार्डिनालिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कार्डिनालिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनालिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रश्न में यह पूछा गया है कि बताइए कि कितने लोग हिंदी और बंगाली दोनों बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है जिसे हम सेडेड बना रहे हैं, ये ऐसे व्यक्तियों को प्रदर्शित करेगा जो कि हिंदी और बंगाली दोनों बोलते हैं। और केवल हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या यदि कहा जाए तो ये जो एरिया बच रहा है एच का, या एच और बी के इंटरसेक्शन को हम हटा दें एच से, तो हमें केवल हिंदी बोलने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे। इसी तरीके से यदि हम बी माइनस एच ले लें तो हमें केवल बंगाली बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या मिल जाएगी। तो चलिए इसका का उपयोग करके हम पहले दोनों भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या निकाल लेते हैं। तो चूंकि दिया गया है कि ए यूनियन बी जो होगा ये कार्डिनालिटी ऑफ सार्वत्रिक समुच्चय में अवयवों की संख्या के बराबर होगी, इससे हम ये लिख सकते हैं कि कार्डिनालिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर हिंदी और बंगाली के लिए यूज़ किया जा रहा है, फिर ये कार्डिनालिटी ऑफ एच प्लस कार्डिनालिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनालिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन बी होगा। अब एच यूनियन बी जो होगा ये 1000 होगा, तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। फिर कार्डिनालिटी ऑफ एच ये 750 दिया गया है, फिर कार्डिनालिटी ऑफ बी ये 400 दिया गया है, और हमें निकालना है कार्डिनालिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कार्डिनालिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1150 ऋण 1000, और इसे जब आप घटाएंगे तो आपको कार्डिनालिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा जो कि 150 होगा। तो ये 150 उन व्यक्तियों की संख्या है जो हिंदी और बंगाली दोनों भाषा बोलते हैं। अब हमें निकालना है केवल हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो इसे हम लिखेंगे कार्डिनालिटी ऑफ एच माइनस बी। ये होगा यदि हम एच में उन अवयवों को घटा दें जो कि एच और बी दोनों पर उपलब्ध है, तो हमें एच माइनस बी मिल जाएगा। कार्डिनालिटी ऑफ एच 750 ये दिया गया था, और 150 जो है एच इंटरसेक्शन बी की कार्डिनालिटी है, इसे जब आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा 600। तो ये जो 600 है ये केवल हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि केवल बंगाली बोलने वालों की संख्या, तो ये कार्डिनालिटी ऑफ बी माइनस एच हमें मिल जाएगा। इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, कार्डिनालिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनालिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन बी। तो कार्डिनालिटी ऑफ बी ये 400 दिया गया था, और कार्डिनालिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन बी ये 150 हमने निकाला था, तो यदि इसे हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 250। तो इस तरीके से 250 ऐसे व्यक्तियों की संख्या है जो केवल बंगाली बोलते हैं।